फ्रेंड्स, आज हम आपको आर्म होल की कटिंग के लिए जो मेजरमेंट लिया जाता है उसके बारे में बताएंगे। इसके लिए काफी रिक्वेस्ट आती है कि आर्म होल हम छाती के अनुसार कितना रखें, कि हम हर बंदे की ब्रेस्ट का जो साइज होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसलिए जो आर्म होल का साइज होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो उसके लिए आज मैंने एक पूरा चार्ट रेडी कर रही हूँ मैं एक, तो उसमें आपको 30 चेस्ट से लेके 40 चेस्ट तक का पूरा मेजरमेंट मैं आपको दे दूंगी। तो इसके अगर आपने ये चार्ट अच्छी तरह समझ लिया तो आपको कभी भी कटिंग में कोई भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम इस चार्ट को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें न्यू अपडेट्स के लिए। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास 30 चेस्ट है। 30 चेस्ट को हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये, अगर कोई भी, जैसे जब हम चार्ट बनाते हैं तो उसमें जो चेस्ट का जो इसमें सबको हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 को डिवाइड करने से पहले बाद में उसमें जो 42 तक तो हम 1 प्लस करेंगे, इसमें हम 1 प्लस करेंगे, सब में हम प्लस 1 करेंगे आर्म होल आने के बाद। और जो ये 44 जो एक्सल साइज हो जाते हैं, ये एक्सल, डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल, ये साइज बन जाते हैं, तो उनमें हम 1.5 ऐड करेंगे। तो ये जैसे जैसे ब्रेस्ट का नाप बढ़ जाएगा तो यहाँ पे जो काट का हिसाब होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। उसके लिए मैं आपको 30 से शुरू करती हूँ। 30 का हमारा अब है 30, अब हमारा 30 को 5 से डिवाइड करने से हमारा 6 आएगा, 6 में अब हम प्लस 1 करेंगे, तो जो हमारा आर्म होल का साइज आएगा वो 7 आएगा। तो अब हमने यहाँ पे 7 इंच का आर्म होल लेना है। तो उसके बाद अब 32 को, अब 32 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये हमारा 6.4 आ जाएगा, तो इसमें हम प्लस 1 कर देंगे, तो ये हमारे पास 7.4 हो जाएगा। ये हमारा अब आर्म होल यहाँ पे ये कटेगा, ये 7 कटेगा, यहाँ पे 7.4 कटेगा। अब हमारे पास 34 आ गई चेस्ट, ये हमारे पास 34 चेस्ट है, तो अब हम इसके लिए इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये 6.8 आ जाएगा, इसमें हम प्लस 1 कर देंगे और ये हमारे पास 7.8 आ जाएगा। अब मैं आपको इधर तीरे का भी हिसाब बताती हूँ साथ साथ। जो हमारे 30 इंच की जो चेस्ट है उसका जो तीरा रहेगा वो 11 इंच रहेगा। और जो गले की ब्रॉडनेस होती है, सब पूछते हैं कि गला हम कितना ब्रॉड रखें, हमारा गला गिरे ना, जो ये नॉर्मली थोड़ा छोटे बच्चे का ही नाप होगा, ये पतले, कोई भी लेडी होगी या बच्चा होगा पतला होगा, ये बहुत ज्यादा 30 इंच बहुत कम छाती का नाप होता है, तो इसके लिए हमें सिर्फ 2.25 इंच, 2.25 इंच हमारा ये गले की ब्रॉडनेस रहेगी। हम चौड़ा गला नहीं काटेंगे, अगर आप ज्यादा चौड़ा काट दोगे तो ये गला गिरना शुरू हो जाएगा साइडों से। तो ये जो हमारा है 32 इंच चेस्ट का जो नाप है उस पे हमारा जो तीरा रहेगा वो 12 इंच रहेगा, और जो गले का नाप है वो हमारा सेम रहेगा। अभी हम इतना ही रखेंगे क्योंकि ये बहुत पतले लोगों का नाप है। अब 34 थोड़ा मीडियम में आ जाता है, 34 के लिए हम 12.5 ले लेंगे और इसका जो नाप है वो हम 2.5 कर देंगे, ये हमारा 2.5 इंच बन जाएगा। अब हम 36 का नाप बना रहे हैं, 36 को अब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 7.2 एंड इसमें हम प्लस करेंगे 1, हमारे पास 8.2 आ जाएगा। अब जो हमारा तीरा रहेगा यहाँ पे, हमारा तीरा यहाँ पे 13 इंच रहेगा और जो गले की ब्रॉडनेस है वो हमारे पास 2.5 इंच ही रहेगी। अब हमने 38 चेस्ट का लगाना है, 38 चेस्ट में हमारा 38 डिवाइडेड बाय 5, हमारा 7.6 आ जाएगा और इसमें हम प्लस 1 कर देंगे तो हमारे पास 8.6 हो जाएगा। और जो यहाँ पे तीरा रहेगा वो हमारा 14 इंच हो जाएगा और जो ये गले की हमारी ब्रॉडनेस है ये हम
पौने तीन इंच कर देंगे, मतलब 2.75, ये हम पौने तीन कर देंगे, पौने तीन इंच कर देंगे हम इसको। अब हमारा 20 आ गया, ये हमारे स्टैंडर्ड साइज होते हैं, ये वाला और ये वाला, ये हमारे दो साइज बहुत स्टैंडर्ड होते हैं। इन ये नॉर्मल लोगों के नाप होते हैं, ये थोड़े पतले लोगों के हो गए, ये थोड़े मोटे लोगों के हो गए, ये दो नाप होते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल पर्सन के होते हैं। तो ये नाप सबसे ज्यादा घटता है, तो इस पे अब हम 40 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे पास 8 आ गया, 8 इंच आ गया। 8 इंच में अब हम प्लस 1 कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा जो आर्म होल आएगा वो 9 इंच आएगा, 9 इंच हमारा आर्म होल बनेगा। तो जो हमारा तीरा होगा यहाँ पे वो 15 इंच हो जाएगा। ये तीरे का मेजरमेंट सिर्फ आपको स्टैंडर्ड के लिए बताया जा रहा है, तीरे ऐसे नहीं होते, तीरे हर बंदे के अलग होते हैं। जैसे किसी के शोल्डर ब्रॉड होते हैं तो उसका तीरा बड़ा हो जाएगा, किसी के शोल्डर थोड़े नैरो होते हैं तो उसका तीरा थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये आपने वो ये स्टैंडर्ड नाप हो चलते हैं, लेकिन आपने अपने हिसाब से तीरा रखना है। तो इसके लिए जो गला रहेगा वो भी पौने तीन इंच रहेगा। तो अब आपने 42 इंच का नाप देखना है, 42 चेस्ट है जो, उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, अब हमारा 8.4 आ जाएगा, उसको हम प्लस 1 कर देंगे तो उसमें अब हमारा 9.4 आ जाएगा। अब देखिए 42 का 9.4 आया है तो आप इसको 9.5 ले लीजिए, तो आपके पास आप इसको 9.5 अराउंड, मतलब पूरा ले लीजिए 9.5, ये बिल्कुल ठीक आएगा आपको, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। इसके लिए आपका जो तीरा चलेगा वो 16 इंच चलेगा और जो गले की चौड़ाई चलेगी वो 3 इंच चलेगी। यहाँ पे गले की चौड़ाई थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पे जो शोल्डर होते हैं वो ब्रॉड हो जाती है थोड़ी। तो ये देखिए अब हमारा 44 का नाप चलेगा, इसको अब हम 5 से डिवाइड करते हैं, ये हमारे पास 8.8 इंच आ जाएगा, प्लस 1 9, सॉरी मैं आपको ये थोड़ा गलत बता दिया मैंने, यहाँ पे 1 प्लस नहीं होना, यहाँ पे 1.5 प्लस होना है क्योंकि यहाँ पे ब्रेस्ट का नाप थोड़ा बढ़ गया है। तो अब हम इसको इसमें 8.8 में 1.5 प्लस कर देंगे तो इसका आ जाएगा 10.3 इंच आ जाएगा। तो इसके लिए भी तीरा हमारा 16 इंच है स्टैंडर्ड का और गले की जो चौड़ाई है वो हमारी 3 इंच चलेगी। गला हमने 3 इंच से चौड़ा कभी भी नहीं बनाना, क्योंकि अगर आप इससे चौड़ा गला बनाओगे तो ये गिरने मोड़े शुरू हो जाएंगे आपके। आप फिर बहुत लोगों की आती है रिक्वेस्ट है कि हमारे शोल्डर गिर रहे हैं, तो इसी वजह से गिरते हैं कि आपने इसका गला चौड़ा बना दिया। अगर आप बोट नेक बना रहे हो फिर वो डिफरेंट स्टोरी है, तो आप उसमें 4-5 इंच ब्रॉड कितना भी रख सकते हो, लेकिन ये नॉर्मल गले की बात हो रही है, यहाँ पे आपने 3 इंच ही रखना है। तो यहाँ पे अब आपका 46 हो जाएगा चेस्ट का नाप। तो अब हमारा 46 चेस्ट का नाप आएगा तो उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9.2 आ जाएगा। अब हम इसमें 1.5 प्लस करेंगे तो अब हमारे पास ये 10.7 आ जाएगा। अब जो ये 23 इंच की जो चेस्ट हो गई है, मतलब 46 डबल में हो जाता है, 23 इंच की जो छाती हो जाती है वो काफी हैवी लोगों की होती है, तो इसके लिए ये हमारा 11.5 या 10.5 इंच आप ये वाला तीरा आपका चले, ये सॉरी आर्म होल चलेगा। तो आपका जो तीरा रहेगा यहाँ पे ये 17 ही रहेगा और जो गले की हमारी चौड़ाई रहेगी वो 3 इंच ही रहेगी। और इसके बाद जो नाप बनते हैं वो बहुत ज्यादा लार्ज हो जाते हैं, ये बहुत रेयर बनते हैं। कभी कभी जैसे कोई हमारे पास, मेरा बुटीक का काम है, यहाँ पे हमारे पास ये वाला नाप होता है जो साल में 1-2 बनने को आता है, लेकिन जो नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज चलते हैं वो ये चलते हैं सारे, ये वाला साइज बहुत कम बनता है। अब ये देखिए ये हमारा 30 से लेके 46 चेस्ट का जो नाप है वो हमारा बन गया है। तो अब आपको मैंने बहुत अच्छी तरह समझा दिया है कि आपने किस तरह ये वाले आर्म होल कट करने हैं। ये देखिए मैं इसको राउंड कर रही हूँ, ये हमारे आर्म होल हैं। और जो यहाँ पे आर्म होल बनेगा वो 11 इंच बनेगा, यहाँ पे भी 11.2 समथिंग हो जाएगा। ये ऐसे थोड़ा अब आगे हमें आइडिया लगाना पड़ेगा क्योंकि ये वाले चेस्ट के नाप बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। अब हमने आर्म होल की डीपनेस रखनी है। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको, जैसे ये हमारी शर्ट है, ये हमारी शर्ट की कटिंग है, तो ये वाला एरिया होता है, ये इसे डीपनेस बोला जाता है।
तो ये हमारी डीपनेस कितनी होनी चाहिए आर्म होल की, तो ये छोटा 30 इंच का जो नाप है, 30 चेस्ट का नाप है, तो उसमें जो आर्म होल की डीपनेस रहेगी वो 6 इंच रहेगी। तो जो 32 का है उसमें 6.5 रहेगी। अब जो 34 का नाप आ गया उसमें हमारी 7 इंच रख देंगे हम, 36 में भी हम 7 इंच रखेंगे, 38 में भी हम 7 इंच रखेंगे, 40 में भी 7 रखेंगे। अब हमारा आगे चेंज हो जाएगा थोड़ा, अब जब 42 आ गया हमारा चेस्ट का नाप, तो उसमें हम इसको 7.5 कर देंगे, यहाँ पे भी 7.5। अब हमारा जो आर्म होल की डीपनेस है तो वो हमारी चेंज नहीं होगी, वो हमने 7.5 इंच ही रखनी है। ये स्टैंडर्ड साइज है, ये हमारा 7.5 इंच ही चलेगा हमेशा के लिए। आगे हमारी ये जो चौड़ाई की कटिंग है वो डिफरेंट हो जाएगी, बट ये हमारी डीपनेस यही रहेगी। अब हमारा ये चार्ट बिल्कुल रेडी है, तो आपको इसको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आगे के लिए जब भी आप कटिंग करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।